थाना बनाहाल क्षेत्र में देसी शराब के सेल्समैन से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट करने वाले एक अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार और थाना बनाहाल पुलिस की अभिरक्षा में मौजूद यही वह सातर लुटेरा है जिसका नाम सत्यम पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम प्रहलादपुर थाना बनाहाल है। बता दें कि इस अभियुक्त ने 29 मई की रात्रि में देसी शराब ठेके के सेल्समैन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार पुलिस घटना का खुलासा करने में जुटी हुई थी और महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने थाना बनाहाल के आम हसन नगर रोड पर कब्रिस्तान के पास वगिया से 3 अज्ञात लुटेरों में से एक लुटेरे सत्यम पुत्र शिव कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 25,000 रुपए में से 2,250 रुपए नगद, आधार कार्ड और एक तमंचा भी बरामद किया है। लूट की वारदात के खुलासे में अहम भूमिका नवा टेढ़ा चौकी इंचार्ज रिंकेश शर्मा के सामने आई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार की ओर से घटना का अनावरण करते हुए पत्रकारों से वार्ता की गई, उन्होंने क्या कुछ बताया आप जरा यह भी सुनिए। सर, बरनाल थाना पुलिस ने लूट का खुलासा किया, क्या प्रॉब्लम है? ये बरनाल थाना क्षेत्र में ग्राम फूलापुर में ठेका देसी शराब के फ्रेंचाइजी है प्रभाकांत की। 19/5 को ये अपनी बिक्री करके घर जा रहे होंगे। इनके पास एक काला बैग था जो आलमपुर मोड़ पे 3 लोग मिले अपाचे से, जिनमें से सत्यम, अवनीश और कल्लू थे। इन लोगों ने तमंचा लगा के उनके काला बैग, हेलमेट, मोबाइल, आधार कार्ड सब छीन लिया, जिसमें 25,000 रुपए थे। आज इस टीम ने जो खुलासा किया है उसमें सत्यम पकड़े गए हैं। इनके पास एक कट्टा, एक कारतूस और आधार कार्ड बरामद हुआ, 2,250 रुपए मिले। लूट की रकम का बंटवारा कैसे हुआ और कहां पे? अभी इन्होंने जो बताया, इनके पास 2,250 रुपए मिले, बाकी जो दो पकड़े जाएंगे तो वो बताएंगे।